नमस्कार, मैं सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल आवाज इंडिया न्यूज। रुक करते हैं बड़ी खबरों की। संवाददाता डब्ल्यू गोस्वामी की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे के फुलेरा के वार्ड नंबर 18 में प्रशासन शहरों के संग अभियान कैंप आयोजित किया गया। इस कैंप के दौरान फुलेरा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सिकेश काकरिया व पालिका अध्यक्ष संगीता अग्रवाल के मौजूद नहीं रहने से आमजन के कार्य समय पर नहीं हो सके, जिसके चलते जनता ने रोष प्रकट किया है। लोगों से बात करने पर पता चला कि उन्हें इस कैंप की जानकारी तक नहीं है। कैंप का ना तो प्रचार प्रसार हुआ, ना ही कैंपिंग में चेयरमैन एवं अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे। पत्रकार ने जब मौजूद कर्मचारी से बात करने के बाद पता चला कि वो कोई मीटिंग में गए हुए हैं, जबकि राज्य सरकार के संविधान के अनुसार कैंप के दिन कोई भी मीटिंग नहीं होनी चाहिए। वार्ड 18 के पार्षद पति व पूर्व चेयरमैन मनोज आहूजा ने बताया कि जनता को इस गेम की कोई जानकारी नहीं है, न ही प्रचार प्रसार किया गया है। साथ ही अधिशासी अधिकारी नगर पालिका अध्यक्ष भी मौजूद नहीं है, केवल महज खाना पूर्ति की जा रही। सरकार को खर्चा दिखाकर कैंप में टेंट कुर्सी वगैरह दिखाकर खर्चा हासिल किया जा रहा है और आम जनता दुख उठा रही है। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल अधिक परिश्रम से जो राजस्थान के प्रशासन शहरों के संघ के जरिए हर जनता को पट्टा वितरण करने की योजना की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द कर पट्टा आमजन को वितरित किया जाए, जिससे कि आमजन को राहत मिल सके। मगर ये कैंप में सबसे बढ़िया देखने को मिला, यहाँ पे कैंपों में दो चार कर्मचारी छोड़ के और पर्षद के आदमी और पर्षद खुद छोड़ के ना तो यहाँ पे चेयरमैन संगीता अग्रवाल मौजूद है, ना आदिवासी अधिकारी मौजूद है। ऐसा कैंप, दिखावटी कैंप राज्य सरकार को करने के क्या मानस बना के रखा है, आइए देखिए। और यहाँ से मैंने कर्मचारी से भी बात करेंगे अभी और आपको बताएंगे। ये लगाया हुआ है 18 नंबर वार्ड के, इसके बारे में क्योंकि ना तो यहाँ पे अधिशासी अधिकारी जिसके सरकार ने साइन कराने के परमिशन भी दे के रखा है और ना चेयरमैन यहाँ पे मौजूद है, तो पट्टा देने के टाइम में कौन साइन करेगा, क्या होगा ना, ऐसा ये एक दिखावटी है सरकार के फालतू पैसा खर्चा करने की है। इसीलिए आप बताइए, एक पर्षद के नाते आपसे पूछ ही सकता हूँ, बताइए सर। डब्ल्यू जी, बात ऐसी है कि वार्ड नंबर 18 का जो आज ये प्रशासन शहरों के संग अभियान कैंप है, इस कैंप में पहली बात तो ये कि मुझे सूचना आज सुबह प्राप्त हुई कि यहाँ आज प्रशासन शहरों के संग अभियान का, आपके धर्मपत्नी के वार्ड का आज कैंप आयोजित होना है, वो भी एक सफाई कर्मचारी के द्वारा मुझे ज्ञात हुआ। इसकी मैं भरसक निंदा करता हूँ नगर पालिका प्रशासन की, कि जो वार्ड मेंबर है उसको खुद को ही पता नहीं है कि आज मेरे वार्ड में प्रशासन शहरों के संग अभियान का कैंप है। इस बात के लिए तो मैं प्रशासनिक निंदा करता हूँ। दूसरा, जिस प्रकार से पूरे फुलेरा को पता है आज का जो माहौल है, आज का जो परिदृश्य है फुलेरा में, इस वक्त हाल ये है, मैं बड़े अंतर मन से दुखी होकर बोलता हूँ कि कांग्रेस का बोर्ड होते हुए, मैं कांग्रेस का प्रतिनिधि भी हूँ, कांग्रेस का प्रदेश का प्रभारी भी हूँ शहरी निकाय संगठन का, मुझे बड़े दुखी मन से होकर ये कहना पड़ता है कि ये जो प्रशासन शहरों के संग अभियान है, जो हमारे फुलेरा में नहीं संपूर्ण राजस्थान में हमारे माननीय अशोक गहलोत जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस अभियान को फेल करने की मंशा रखते हुए हमारी चेयरमैन साहिबा जो हैं हर कैंप से अनुपस्थित रहती हैं। अब ये जो जिस प्रकार का ये परिदृश्य हमारे फुलेरा में चल रहा है, दो हमारे कांग्रेस के पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया, कुछ संगठन के पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया, ये सब उनकी जो कार्यशैली है उससे क्षुब्ध होकर इस प्रकार की कार्रवाई चल रही है। 18 नंबर वार्ड में आज वो नहीं पधारी, मैं इस बात के लिए भी मेरी धर्मपत्नी की तरफ से उनके प्रति कटु निंदा प्रस्तुत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आगामी जिन भी वार्डों में प्रशासन शहरों के संग अभियान कैंप लगे तो जनता को जो सुविधा सरकार देना चाहती है और माध्यम आप हो, तो उस माध्यम को वहां उपस्थित रहकर वो सुविधाएं जनता को प्रदान करनी चाहिए। धन्यवाद सर आपको बहुत बहुत। हमारा जनप्रतिनिधि यहां पे 18 नंबर वार्ड के मनोज आहूजा से
जनता से एवं सरकार से रूबरू कराया है। यार इन्होंने कटु निंदा किया। ये बताइए आज जो वार्ड नंबर 18 का जो कैंप हुआ ना, इस कैंप के बारे में कुछ बताइए। जो आज चेयरमैन साहब आए नहीं, ईओ साहब को देखा नहीं मैंने अभी, तो क्या सुबह से आए थे कि नहीं आए थे? नहीं, ईओ साहब आए के चल गए, अभी तो मीटिंग में जाएंगे शाम भर, अभी तो ऑफिस में है, अभी दोबारा और आ जाएंगे साहब, आके चल गए साहब। ईओ साहब आके चल गए? हाँ, आ गए थे साहब। ईओ साहब का नाम क्या है? सिकेश जी काकरिया साहब। सिकेश जी काकरिया खाली दो बार आए थे ना, एक बार आए थे? नहीं, सुबह आके चल गए, अभी ऑफिस में है, अभी शायद मीटिंग के कारण चल गए। ऑफिस कहाँ पे हो रहा है? नगर पालिका में है अभी। नगर पालिका में मीटिंग चल रहा है? कैंप और मीटिंग दोनों एक साथ में ही रखा है? नहीं, कोई आगे तो कोई सूचना बनानी थी इस चक्कर से। अच्छा, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चेयरमैन साहब तो आए ही नहीं? हाँ, चेयरमैन साहब तो अभी। अच्छा, कोई मैसेज भी नहीं दिया आपको? अभी तक तो पता नहीं चेयरमैन। अच्छा, यहाँ पे जो पार्षद को आज सुबह में मैसेज मिला बोल रहा है, वो भी मतलब दूसरे के जरिए से, ये बात सही है गलत है? वो मुझे पता नहीं है, पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारा चैनल के तरफ से भी बहुत धन्यवाद, मगर मैं कोशिश करूंगा आप लोग के आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए, जिसमें शांति धारीवाल हमारे यूडीएच मंत्री इतनी सुंदर काम करने का कोशिश कर रहा है, हमारा मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के अशोक गहलोत भी सबके जनता के गरीबों का मसीहा बोल के जाना जाता है, इन्होंने गरीबों को साथ देता है, मगर ये फुलेरा में 18 नंबर वार्ड में जो काम देखा मैंने, इसमें हमको विश्वास नहीं हो रहा है ये हमारा ये मसीहा का नाम आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। धन्यवाद। डब्लू गोस्वामी, आवाज़ इंडिया, जयपुर राजस्थान। इसी तरह की खबरों में हमेशा अपडेट रहने के लिए आवाज़ इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, व अगर आप आवाज़ इंडिया न्यूज़ के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आवाज़ इंडिया न्यूज़ के फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, वह अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।